हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैपर वाईटी पर। और दोस्तों, आज मैं आपको ग्लांस ऐप के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर आप जब अपना पावर बटन दबाकर मोबाइल स्क्रीन को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलता है। दोस्तों, ये क्या है और इसका यूज क्या है और इसको कैसे हटाना है पूरा बताऊँगा। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका यूज बता देता हूँ, इसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि इसको हटाना है या नहीं। दोस्तों, जैसे ही हम अपने पावर बटन को दबाकर मोबाइल स्क्रीन को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके से कोई न्यूज या सेलिब्रिटी आ जाता है। और अगर हम न्यूज या सेलिब्रिटी के नीचे लिखकर जो आता है उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से खुलता है। और यहाँ पर लेफ्ट स्क्रॉल करने पर लेटेस्ट न्यूज के बारे में जानकारी मिल जाती है। और नीचे साइड में एक गेम का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हम छोटे गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास कोई अदर सोर्स है लेटेस्ट न्यूज और गेम्स खेलने का तो ये ग्लांस ऐप आपके लिए बेकार है, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में हमेशा एक्टिव रहती है और आपका डाटा यूज होता रहता है। अगर आप डाटा बंद भी कर देते हैं तब भी आपकी बैटरी खर्च होती रहती है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। वहां पर ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन, उस पर क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ग्लांस का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरा रियलमी का फोन है इसलिए यहाँ पर ग्लांस फॉर रियलमी लिख कर आ रहा है। MI में ग्लांस MI, सैमसंग में ग्लांस सैमसंग और पोको में ग्लांस पोको लिख कर आएगा। अब इस पर क्लिक करना है और टर्न ऑन वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। दोस्तों, अब ये हट जाएगा जब तक कि आप इसको खुद से ऑन नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।